और जी खान साहब आपने तो स्मार्ट लॉकडाउन किया नरमी की लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया जी वो रश पड़ गया उधर तो बंदे औरतें इधर पाँच पाँच हज़ार का सूट ले रही हैं रश पड़ा हुआ है लेने लगी हुई हैं जूते और ये और वो तो ये क्या हो गया जी <laughs> और यार देखो पहले तो मेरे साथ जुगतबाजी नहीं करनी वो तुम अपने प्रो, अपने प्रोग्राम में ना फिक्का भी जुगतिया होता है वो उधर तुम एक लंबा छोटा पतला बिठा के उनको जुगते करते हो मेरे साथ नहीं करनी मेरी क्रिकेट की ट्रेनिंग बाद में हुई है जुगतों की पहले हुई है मेरी ट्रेनिंग हुई है उधर सरफराज नवाज और अब्दुल कादिर और सा पैपास्दीक और बड़ी ट्रेनिंग हुई रमीज राजा ये वो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ और बाद में कोरोना निकल जाए फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा टेलीथॉन फिर मैं बताऊँगा कि जुगत होती क्या है ना जो तुम जुगत पानी करने की हाँ दूसरी बात तुमने अच्छी की है और वो ये है कि उसका अब क्या सलूशन देखो मैंने तो अच्छा किया है लोगों को चांस दिया है कि भाई लोग अपने रोटी कमा लें जो सामान तैयार हुआ हुआ ईद पर बेच लें अब ये का, इसका क्या अब सोल्यूशन है तुम्हारे पास खास साहब मेरा मशवरा है कि इन पर टैक्स लगा दें कोरोना टैक्स जो भी निकले इवन विंडो शॉपिंग वाला उस पर भी टैक्स लगा ये फिर ठीक हो जाएंगे इन पर जो पाँच हज़ार का सूट ले पाँच हज़ार टैक्स दे आप टैक्स लगाएं इनको इनको बिल्कुल ना स्पेयर करें और वो पैसा गरीबों को दें यार तुमने बात अच्छी की है क्रेजी मैं सोच रहा हूँ कि दो तीन महीने के लिए ना अपना ये वटा सटा कर लेते हैं तुम इधर आ जाओ और मैं उधर तुम्हारे प्रोग्राम में चले जाता हूँ तो ਜੁਗਤ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਜੁਗਤ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਹੈਨਾ ਤੁਹਾਰਾ ਬੜਾ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੇ ਬੰਪਰ ਅਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਅ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂ ਜੁਗਤ ਕਰਤਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਉਂ ਕਿਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਜਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹਰਾ ਸੀ ਲਾ ਦਿਓ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿਓ ਕਰੋਨਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ